बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग्स रूम। गाइस, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.4। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। इसे सिंप्लीफाई करना हमने 2/5√ प्लस 3√ प्लस 1/3√ प्लस 2√ -3/5√ प्लस 2√। ये उसने हमें क्वेश्चन दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफाई में ज़्यादातर यही होता है कि हमने नीचे से डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म करने हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। एक बार इसको इस तरीके से लिख लिया तरतीब से, और बिल्कुल चूँकि क्वेश्चन बड़ा है और लेंथी है, इसलिए इसको तरतीब से जहाँ पे इक्वल साइन लिखेंगे बॉर्डर के साथ, हाशिए के साथ ही। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं। एक जहाँ से पोर्शन ख़त्म हो जाता है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है इसका, तो तीनों पे अलग अलग फार्मूले लगेंगे। तो इसलिए इसको तरतीब से लिखें ताकि ये एक लाइन में सीधा आ जाए। इक्वल साइन लिखेंगे। अब इसको लिख लिया पहले को 2/5√ प्लस 3√। अब हमारे पास ये टर्म है 2/5√ प्लस 3√। तो जहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको प्लस रखेंगे, एक बार माइनस। ये हमारे पास प्लस है, पहले को हम ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहला जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम तो ए स्केयर में भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मतलब जो है पहले का स्केयर माइनस दूसरे का। तो ये हमने फार्मूला बनाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास प्लस है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको ख़त्म करने के लिए माइनस के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 5√ माइनस 3√। तो ये इसके साथ हमने सबसे पहले हमने इसी से डिसाइड करना है कि हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे प्लस साइन है तो इसका हमने अपोजिट साइन लिखना है, 5√ माइनस 3√। तो ये चूँकि हम इसे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसे क्वेश्चन, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ ऐड कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड भी कर रहे हैं, इसलिए दोनों हम काम करके इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है तो 1 हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता। ये दोनों हमने अपनी तरफ से किए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी कर दिया, तो इससे क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। ये हो गया प्लस। नेक्स्ट आ जाएगा ये इसी तरीके से लिख लिया 1/3√ प्लस 2√। 3√ प्लस 2√ आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस साइन है तो हमने अपोजिट लेना है माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनाने के लिए। यहाँ पे आ गया ये माइनस, ये देखें 3√ माइनस 2√ के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3√ माइनस 2√, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ये वाला साइन 3/5√ प्लस 2√। ये उसी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 5√ प्लस 2√ है, इसको भी हमने फार्मूला लगाना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसा कि आपको बताया, पहले को हम प्लस कहते हैं, दूसरे को यानी पहले को ए कहते हैं, दूसरे को बी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस रखा, इसको प्लस है तो इसका अपोजिट जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, 5√ माइनस 2√ को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5√ माइनस 2√, नीचे भी हमने 5√ माइनस 2√। तो इससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, जहाँ इक्वल साइन डालें, इसके बाद इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करें। अब ये देखें, ये 2 है, जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंपल यही, आपने इसको फुल अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बाहर रखें इसको 2/5, ये आ गया 2/5√, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया था कि बाद में ये कैंसिल होगा नीचे से, तो इसलिए इसको इसके अंदर नहीं लेके जाना, बल्कि सिर्फ सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2/5√ माइनस 3√। ओवर ये नीचे आ गया, इसका फार्मूला लग गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहले का स्केयर 5√ का स्केयर हो गया 5√ स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर हो गया माइनस बी स्केयर, यानी ये दूसरे का स्केयर हो गया 3√ स्केयर। ये फार्मूला लग गया, जहाँ पे ये प्लस साइन आ गया, जहाँ पे यहाँ 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया 3√ माइनस 2√ ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहले का स्केयर 3√ स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर 2√ स्केयर। ये हो गया माइनस, ये आ गया, ये 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको
तो इसी तरीके से हमने लिखना है कि हो सकता है नीचे ये कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको फ़ौरन इसको मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना बल्कि बाहर रखें इसको, 3 × 5√-2√। तो ये प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, अगर इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको अंदर नहीं लेके जाना फौरी तौर पे, वरना तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में फिर इसे कैंसिल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको बाहर ही रखेंगे लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आ गया इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले का स्केयर 5√√2√2, ये आ गया। इस तरीके से हमने ये इसको लिखा। नेक्स्ट आ जाएगा, अगली लाइन लिखें, इक्वल साइन लिखेंगे, ये उसी तरीके से लिख दिया 2 × 5√-3√ लिख दिया ओवर, ये आ गया 5√2। जैसा कि आपको मालूम है कि अंडर रूट का स्केयर जब भी लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 5, यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया तो इसका आ गया 3, 5 − 3। ये प्लस साइन यहाँ पे लिखा, ऊपर उसी तरीके से लिख लिया 3√−2√, नीचे आ गया इसका 3√ का स्केयर, अंडर रूट कैंसिल हो गया 3 आ गया, −2√, इसका अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, तो ये आ जाएगा 3 − 2। ये माइनस साइन यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहाँ पे इस उसी ऊपर वाले को उसी तरीके से लिख लिया 3 × 5√−3√, ओवर ये आ गया 5√ का स्केयर, अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, −2√ का स्केयर आ गया तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 5 − 2 ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये इसको उसी तरीके से हमने लिखा, इक्वल साइन लिखे, ये उसी तरीके से लिख दिया 2 × 5√−3√ ओवर, ये 5 − 3 = 2 आ गया नीचे, प्लस ये इसको उसी तरीके से लिखा 3√−2√, नीचे आ गया 3 − 2 = 1 माइनस, ये ऊपर उसी तरीके से आ गया 3 × 5√−2√, और नीचे जो है 5 − 2 = 3, 5 − 2 = 3 आ गया। अब देखें इस पर गौर करें तो, इसलिए हमने इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे कि आप ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हुआ और ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको क्यों अंदर लेके नहीं जा रहे इसके साथ, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, लेकिन बाद में फिर ये 3 को कैंसिल करने के लिए 3 को फिर वापस बाहर इसको कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको बाहर ही रखा, इसको भी बाहर रखा। तो अब ये आ गया, ये देखें अब ये 2 कैंसिल हो गए जो दोनों, ये आ गया 5 √−3√, ये आ गया प्लस, ये आ गया 3√−2√, ये आ गया माइनस, ये अब देखें ये माइनस है इसके बाद, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे उस तरीके से लिख लिया और ये इसको अंदर ब्रैकेट में दे दिया 5√−2√, ये इसलिए सिर्फ ब्रैकेट इस्तेमाल किया कि जहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म कर दी हमने और इसकी ब्रैकेट हमने रखी ताकि ऐसे ने इसका साइन चेंज होने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, अब ये देखें इसको हमने इक्वल साइन लिखा जहाँ पे, ये उसी तरीके से आ गया 5√−3√, ये +3√−2√, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा −5√, माइनस ये हो गया और ये माइनस माइनस +2√। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये प्लस 5 है, ये भी प्लस 5 है, ये −5, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ये −3 है और ये +3, ये इसका आपस में कैंसिल हो गए, ये 5 का प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये −3 + 3 कैंसिल हो गए। अब ये आगे ये −2 है और ये +2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर जो है 0 हो गया, तो ये आ गया आंसर 0। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर आंसर लिखें और इसको क्लोज कर दें, यहाँ पे लाइन लगाएं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा ये सारे इतने पोर्शन का
हमने इसको सिंपलीफाई किया तो आंसर जो है इसका ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आंसर लेकर इसको यहाँ से क्लोज कर दें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।